बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स 2024 सर पे हैं। 2015 से जो मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश और फर्स्ट सेकंड ईयर इंग्लिश के, वो बड़ी कामयाबी के साथ बच्चे उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स लेते रहे हैं। इस मरतबा बच्चे फिर कहते हैं कि जी सर, आप ये दोबारा से रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर दें। आप अपनी जो बुक 3 है इंग्लिश की, जिसमें वन एक्ट प्लेज और पोएम्स हैं, उसको ले लें, साथ बॉल पेन पकड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ आप उनको निशानी लगा ले और प्रिपेयर करें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को समझने की कोशिश करें। बच्चों के लिए खास तौर पे हार्ड वर्क अब वो पसंद नहीं करते, स्मार्ट वर्क पसंद करते हैं। और स्मार्ट वर्क कहते हैं कि मुख्तसर सा काम हो जो जरूरी जरूरी करने वाला है और अच्छे नंबर भी आ जाए, तो वो बच्चे स्मार्ट वर्क को ज्यादा तरजीह देते हैं। अब आप नोट करना स्टार्ट करें क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। वन एक्ट प्लेस के हीट लाइटनिंग है आपका पहला प्ले, और सेकंड प्ले आपका आ जाता है विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, और नंबर 3 पे है द ऑस्टर एंड द पर्ल। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो प्लेज में से है, वो पहला क्वेश्चन है, व्हाई कुड द गर्ल नॉट डिस्क्राइब द किलर, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार, ये दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल है, हाउ डिड द सेकंड मैन एक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, ये भी आपका हीट लाइटनिंग में से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द गर्ल रिकग्नाइज द किलर, ये भी उसी में से ही है। नेक्स्ट है, व्हाई डिडंट द गर्ल अकॉम्पनी द सेकंड मैन, ये भी हीट लाइटनिंग में से ही है। हाउ वॉज द गर्ल सेव्ड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट प्लेड द रोल इन सेविंग द गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मैन एंड सेकंड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ क्रैटन की, पढ़ाई का क्या मुतालिया मकसद था जब वो दुनिया में आता है। नेक्स्ट है, हाउ मच एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रैटन देन दैट ऑफ अर्थ, ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टडी ऑफ क्रैटन का थीम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द, सॉरी ये मैं वही सवाल बोल रहा हूं। नेक्स्ट है, हाउ डज क्रैटन इंप्रेस जनरल पावर, ये निशानियां लगाए आप साथ साथ क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, कैन द पीपल ऑफ द अर्थ कंपीट विद द पीपल ऑफ क्रैटन, ये भी आपका सेकेंड प्ले में से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, व्हाई इज हैरी सिटिंग इन बार्बर्स चेयर, ये आपका लास्ट प्ले जो है उसमें से है। नेक्स्ट है, व्हाई डज क्ले नीड मनी, ये भी आपका थर्ड प्ले में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर हेयर कट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस मैकेचिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्लीग्राफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बायस ऑस्टर, ऑस्टर यानी वो सिप्पी कौन खरीदता है। हाउ मच डज ही पे, और वो उसके कितने पैसे अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑस्टर, और लास्ट क्वेश्चन है आपके वन एक्ट प्लेस जो है बुक 3 के अंदर, उसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेज फादर, ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली बच्चे इनको करके अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। आप भी इनको तैयार करें और अपने अच्छे मार्क्स जो है उनको सिक्योर करें। थैंक यू वेरी मच।